सो एजेंसी प्रॉब्लम, जो क्लासिक एजेंसी प्रॉब्लम यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है अगर आप अपने घर पे एक मुलाजिम हायर करते हैं, ठीक है, आपने उसको सर्टेन टास्क दिए कि तुमने ये करना है, घर पे, ऑफिस पे, कहीं पर भी आप किसी को भी हायर करते हैं किसी भी काम के लिए, लेट्स सपोज सफाई के लिए एक बंदे को हायर करते हैं, बड़ा कॉमन है कि आप सफाई करने के लिए किसी को हायर कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने सफाई करने में बताइए अच्छी तरह सफाई करनी है, सारा काम करना है, कोई कचरा नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, बिल्कुल साफ सुथरा कर देना है घर को या ऑफिस को, ठीक है। आपने उसको ऑफिस की कीज वगैरह भी दे दी है, आपके ये सारे उसने सफाई वगैरह करनी होती है, तो अब उसके पास ऑफिस की कीज भी हैं। एक दिन आप आते हैं और आपकी जो लॉकर था वो खाली है। अब आप उसे बताते हैं ये कहाँ गया, तो सर मैंने सफाई कर दी ना, आपने कहा था सफाई करने में, साफ कर दिया सारा कुछ, क्लीन एंड क्लियर। अब आपको उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से हम कहते हैं, आप प्रिंसिपल हैं, वो आपका एजेंट है। क्यों? जब आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तुम मेरे लिए काम करोगे, ये तुम्हारी मंथली सैलरी होगी, इस तरह काम होगा, आपका एक एग्रीमेंट हुआ हुआ उसके साथ, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का, कि वो अब आपका एजेंट बन गया है, आपके बिहाफ पे काम कर सकता है, आपने खुद उसको चाबियां दी हैं कि यहाँ पर तुमने ये काम करना है। अब वो आपके पैसे चोरी कर लिए, अब क्या कर सकते हैं, वो आपका एजेंट है आपके बिहाफ पे, आप अगर उसको कहीं पर भेज दें कि यार मेरे बिहाफ पे ये जा सके कलेक्शन कराओ किसी से, आपके बिहाफ पे कलेक्शन कर रहा है, मेरे बिहाफ पे ये काम कर रहा हो, वो आपके बिहाफ पे कर रहा है, तो इस वक्त वो आपका एजेंट है। अब अगर वो आपके पैसे चोरी करके चला गया है, आप उससे पूछते हो, कहते सर आपने कहा था साफ करने को, मैंने सारा साफ कर दिया एकदम जबरदस्त क्लीन एंड क्लियर, अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे, चाबी किसने दी, आपने दी, साफ करने का कहा आपने, उसको सारी अथॉरिटी आपने दी कि इस इलाके के अंदर तुम्हें चाबी आपने दी, उसने कौन सा लॉकर तोड़ा है, आपने चाबी दी थी उसे, ओके, वो कह देगा यार मुझे तो यही समझ आया था, सर ने कहा था बस ठीक है तुम्हारा सारा कुछ आराम से काम करूं, मुझे चाबी दे दी थी, भाई मुझे समझ नहीं आया, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, सॉरी अब नया कॉन्ट्रैक्ट कर लें उसमें नहीं करूंगा, चले आपने उसको घर की चाबी दी या ऑफिस की चाबी दी, वहां कहीं आप भूल गए लॉकर की चाबी पड़ी थी, आपने उसको लॉकर की नहीं दी, वहां पड़ी थी, या लॉकर था नहीं, आमतौर पाकिस्तान में किसके पास लॉकर होता है, वो बैंक ही एक बनवाता है कहीं, या कोई गोल्ड वाले बनवाते हैं, घट भी होता है घर पे कोई लॉकर रखे बहुत ज्यादा, तो यूजुअली कबर्ड वगैरह ही, तो ओके चले प्रॉपरली डिफाइंड था, वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आई सही से, नो ये जो प्रॉब्लम है ये है एजेंसी प्रॉब्लम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सकता है, अपने इनकम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकता है, अपने रिसोर्सेज कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है, अपनी वेल्थ कैसे बढ़ा सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये मेरे हक में बेहतर फैसले करेगा, ये मेरे घर से चोरी नहीं होने देगा, मेरी चीजों का ख्याल रखेगा, साथ में सफाई भी रखेगा, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, ये है एजेंसी प्रॉब्लम। अब यहां पर वैसे तो मैं क्लियरली बता दूं कि आप डेफिनेटली उसके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त, क्योंकि वो आपका एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है सारा, लेकिन जिस वक्त उसने आपकी कबर्ड खोल के आपके पैसे निकाले, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में इम्प्लाइड है कि वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, इसे हम कहते हैं फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन, ठीक है कि, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही एजेंसी प्रॉब्लम है, दोनों का इंटरेस्ट डिफरेंट है, ओनर का इंटरेस्ट कुछ और है और मुलाजिम का इंटरेस्ट कुछ और है, आप उसको सू इसलिए कर सकते हैं, आप उसको पर केस इसलिए कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है जब वो आपके खिलाफ कोई काम करता है, उसकी ऑब्लिगेशन है जब आपने उसको एज एन एजेंट हायर किया, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी और नॉर्मल लॉ के अंदर भी, तो लॉ यही कहता है कि जिस वक्त उसने आपके खिलाफ काम किया, आमतौर पर घरों में चोरियां हो जाती, मुलाजिम कर लेते हैं, तो आखिर उनको कैसे पुलिस पकड़ सकती है फिर, तो वो इसी बेसिस के पर जी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया जब आपने चोरी की, आपने अपने जो प्रिंसिपल था उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं किया, आपने उसके खिलाफ अपने अपने इंटरेस्ट में काम किया, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया था, इस वक्त से ऑनवर्ड अब आप पनिशमेंट के लिए लायबल हैं।
सेम गोज इन अ कंपनी। मैंने ये एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि कंपनी को कभी उसका ओनर नहीं चला रहा होता, शेयर होल्डर्स हैं। अब डिज्नी वर्ल्ड डिज्नी बिलियंस ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं उसके, कम से कम हजारों के अंदर तो होंगे, लाखों के अंदर। तो क्या वो सारे के सारे कंपनी चलाएंगे? और सारे के सारे चला भी नहीं सकते आमतौर पर, आम बंदा भी जिसने 100 शेयर लिए हुए बस, क्योंकि मेरे पैसे हैं वो पड़े रहे, लगे रहे थोड़े से, मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट हुई रहेगी मेरी, किसी ने 1000 लिए, किसी ने 2000 लिए हुए। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, व्हेनेवर यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू कम इन, यू आर लेट और एनीथिंग, जस्ट कम ऑन, सिट डाउन, यू वांट टू गो, यू वांट टू अटेंड अ कॉल, यू वांट टू डू एनीथिंग, यू कैन गो। इवन इफ यू वांट टू ब्रिंग फूड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, यू कैन ब्रिंग योर टी एंड ब्रेकफास्ट, अनलेस यू स्नैच फ्रॉम वन अनदर एंड यू लिटर ऑन द फ्लोर्स, ठीक है? सो इट्स फाइन विद मी। सेम गोज विद द कंपनी, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, अब वो मैनेज नहीं कर सकते उस कंपनी को। एक तो सबके सब मैनेज करेंगे तो वहां तो खिचड़ी पक जाएगी। हमारे यहाँ तो जैसे पॉलिसी होती है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, इसको भी नौकरी दो, इसको भी दो, तो फिर तो कंपनी कभी भी नहीं चल सकती। यहाँ तो जी हमने 2 रुपए लगा दिए तो बस अब तो कंपनी हमारी होगी ना, बस फिर तो नहीं नहीं ये जी मेरा ये बच्चा, इसको लगाना पड़ेगा तुम्हें काम पे, मैंने पैसे लगाए हुए, मैं शेयर होल्डर हूँ। तो इस तरह कंपनी नहीं चल सकती। तो इसलिए एक तो इतने सारे शेयर होल्डर, और ज्यादातर का इंटरेस्ट भी नहीं होता कंपनी चलाने में, उनका इंटरेस्ट है प्रॉफिट में, कीजिए अच्छा बिजनेस है ठीक है, मैनेज कोई और कर रहा होगा, मैंने अपने पैसे लगाए हैं, मुझे उसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। अब कंपनी को चलाता कौन है? यही शेयर होल्डर्स बेसिकली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं अपने आप में से, या बीच में से और इंडिविजुअल्स बाहर से भी ले सकते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो फिर एक सीईओ अपॉइंट करते हैं जो आगे मैनेजमेंट पूरी अपॉइंट करता है और ये सारा प्रोसीजर चलाता है कंपनी को। अब ये बेसिकली एजेंट है शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर प्रिंसिपल है, ये सीईओ एजेंट है और ये इसके साथ जितने भी मैनेजमेंट है ये एजेंट है। प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि जी सीईओ या जो बेसिकली सीईओ को फिलहाल इग्नोर करते हैं, शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पहले था ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ऑल दो, तो आज जो एक न्यू कॉन्सेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये थोड़ा प्रॉफिट से डिफरेंट है लेकिन बेसिकली मतलब इसका सेम ही होता है कि उनका प्रॉफिट और वेल्थ बेसिकली उनकी मैक्सिमाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये जरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने जाऊंगा तो ये जरा लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर से, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन सीईओ और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड सैलरीज, लॉन्ग टर्म जॉब, जॉब उसकी लंबे अरसे तक रहनी चाहिए, गुड बोनसेस, गुड पर्क्स, प्रिविलेजेस। अब सीईओ के देखें जी, मैं आपकी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, सादा टोयोटा में हूँ, मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। लोग क्या कहेंगे, आपकी इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ ऐसे आता है, मुझे ट्रैवल करना होता है, मुझे इसके लिए हर फ्लाइट के अंदर कोई एक आधी टिकट मेरी बुक होनी चाहिए, देखिए आपकी कंपनी के काम के लिए मैं दुबई जाता हूँ, वहां पर एक पेंट हाउस तो बुक करके रखे मेरे लिए, कम से कम मैंने जाकर रुकना होता है, कहीं पर लोगों से मिलना होता है। और अप्रूव किसने करना है? उसने खुद ही करना है, ठीक है? तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो अपने आप को, अगेन बोनस, ओ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है इस बार, सीईओ को इतना बोनस दे दो, बाकी सारों को इतना इतना बोनस दे दो। क्यों? पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का, जाना तो उनका है ना, हमारी जैसे कुछ जा रहा है? बीइंग द मैनेजमेंट जितना मर्जी अपने आप को बांटते जाए, देखिए हमने इतनी ग्रोथ नहीं की आपकी, हमारा इतना तो बनता है, दे दें दे दें, कोई बात नहीं। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रोथ दिखाई जाए, बहुत ज्यादा नहीं, इतनी स्टेडी हो कि फ्यूचर पे हम जरा दिखाते रहें ग्रोथ रेगुलरली। ग्रोथ दिखाकर हम अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी अप्रूव करवाएं, हम अपने बोनसेस भी लें, हम अच्छी सैलरीज भी लें और हमारी जॉब सेफ रहे कि हाँ ग्रोथ हो रही कंपनी, बस ये ठीक अच्छी चला रहे हैं कंपनी। अब उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये जितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बोनसेस ये ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं? ये प्रॉफिट में से ले रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट में से, ये कॉस्ट डिडक्ट होगी तो प्रॉफिट बचेगा ना एंड पे, तो शेयर होल्डर की वेल्थ उतनी कम होती जा रही है। दिस इज एजेंसी प्रॉब्लम, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही कोई नहीं है प्रॉफिट के अंदर, उन्हें क्या फर्क पड़ता है प्रॉफिट कितना भी, उन्हें बस हल्की से पिछले साल से ग्रोथ दिखाएंगे, परसेंटेजेस के अंदर दिखाएंगे, उन्हें बस ये दिखाने कि देखें ग्रो हो रहा है कंपनी, हम बड़ी अच्छी चला रहे हैं। शेयर होल्डर्स वो मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं, उन्हें पता नहीं पीछे मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया कि उन्होंने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के अंदर कंपनी ने अपने आप को कितना कुछ दे दिया है,
जैसे कि ये जो सीईओ है, जितनी टॉप मैनेजमेंट है, डेफिनेटली वो अब अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, उसको टॉप मैनेजमेंट को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो शेयर होल्डर जाके तो नहीं देखेगा, अच्छा ये चीज अप्रूव हुई थी, ये चीज का खर्चा कैसे हुआ। सो दिस बिकेम अ बिग प्रॉब्लम। ये इशू 2001 के अंदर बड़ा यू कैन से एक बहुत बड़ी इशू के तौर पे रेज हुआ, जिसके बाद सर्बनिस ऑक्सले एक्ट बना अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर कैडबरी अकॉर्ड बना। बेसिकली एनरॉन बैंकरप्ट हुई 2001 के अंदर, तब लोगों को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा इशू है। कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट जो कर रही है वो ना शेयर होल्डर्स को कुछ बताए ना किसी और को। ऑर्थर एंडरसन उनका आई थिंक वो था, क्या कहते हैं, ऑडिटर, वो उनके साथ मिला हुआ था। जिस दिन कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी उससे पहले उन्होंने ट्रक भर के पेपर श्रेड किए, सिर्फ कि किसी को पेपर ट्रेल ना मिले कि हमने किया क्या है पीछे। तब जाकर लोगों को पता चला कंपनी में चल क्या रहा था। मैनेजमेंट अपने आप को पर्सन प्रिविलेजेस देती जा रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं रही, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स में डिविडेंड, उनके अपने पैसे में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रॉफिट उसने कुछ नहीं कमाया। थोड़ा बहुत कमाया जरूर है वो और तरीके से, वो भी बेसिकली इलीगल तरीकों से कमाया हुआ था। वो जैसे आज आपके साथ होता है, बिजली हर दूसरे दिन महंगी हो जाती है, कुछ ऐसे करके उन्होंने कमाया था। कैलिफोर्निया की बिजली सप्लाई इनके पास होती थी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, तो ये वहां पर शॉर्टेज क्रिएट करते थे, वहां की बिजली दूसरी स्टेट्स को बेच देते थे, और फिर वहां जब शॉर्टेज होगी तो वहां तो अगर उन्होंने स्टोव भी चलाना है तो वो भी उन्होंने बिजली पे चलाना है। तो लोगों को डिमांड ज्यादा थी, उन्होंने बिजली की प्राइस बढ़ानी शुरू कर दी, वहां से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा शेयर होल्डर को भी देते जा रहे हैं, खुद भी जो है ये अच्छा खासा पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं। जब पता चला कि जी अब कंपनी बिल्कुल जाने वाली है, इनके पास क्योंकि एक जितना कुछ इनके पास था जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की उस कंपनी में, वो सारे शेयर बेचे चुपचाप, सारे निकल गए मैनेजमेंट वाले टॉप के, भाग गए। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता चला ये तो सारे मिले हुए थे, इन्होंने मिलजुल के, कंपनी में था ही कुछ नहीं, उसमें प्रॉफिट उसके पास कुछ था ही नहीं ऐसा, ये इस तरह के जाली काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, ये शेयर होल्डर के पैसे उनको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे थे। शेयर होल्डर को क्या पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने तो दिखाई देखें इतना प्रॉफिट हो गया हमें, ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा था जी, वो फ्यूचर में होना था जी। अभी अमेरिकन अकाउंटिंग जो है, बेसिकली दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये कि अगर आपको प्रॉफिट होने वाले किसी इन्वेस्टमेंट से किसी से हो रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में, अभी आप उसको रियलाइज कर सकते हैं अभी अपने अकाउंट्स में कि फ्यूचर में होना है, तो उसको रिकॉर्ड, वो जो फ्यूचर में होना था ना, ये देखिए रिकॉर्ड करके डिविडेंड भी दे दिया, आया नहीं है प्रॉफिट अभी तक हमारे पास। इसकी वजह से सर्वनिस ऑक्सले बना, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई जिसके अंदर ये क्लियर किया गया कि जी मैनेजमेंट को किसी ना किसी तरह उसके ऊपर ओवरसाइट रखना जरूरी है, इसीलिए इंडिपेंडेंट मेंबर डाले गए बोर्ड के अंदर, कि जो बोर्ड होगा वहां पर उसके अंदर इंडिपेंडेंट मेंबर हो, बाहर से आए हुए हो, ऑडिट की अलग से कमेटी हो, उसके अलावा जिस डिफरेंट चीजें उसके अंदर ऐड की, उसके अंदर एक चीज ये भी उसके बाद से आई है कि जो मैनेजमेंट है उसको शेयर ऑफर किए जाए रादर देन बोनसेस, ताकि मैनेजमेंट की ओनरशिप के अंदर भी कोई हिस्सा आए उनका, ताकि उन्हें पता हो कि जी अब हमने ओनरशिप के लिए काम करें, क्योंकि ओनर हम भी ओनर हैं, हमारे पास कंपनी के शेयर्स हैं, हम कंपनी के ओनर्स हैं, तो हमें अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करना है रादर देन कि हम अपने पर्सनल प्रिविलेजेस के लिए काम करें। ऑल्दो ये अभी भी हॉट इशू है, ये अभी भी चल रहा है केस, लेकिन स्टिल दिस इज द एजेंसी प्रॉब्लम। यहीं पर ला फ्योरे के साथ भी यही हो रहा है जो देख रहा है। मैनेजमेंट ने क्योंकि ग्रोथ दिखानी थी, ग्रोथ दिखाते जाए, बस आपके रेवेन्यूज चल रहे हैं, आपकी सैलरियां पक्की हैं भाई, नौकरी से नहीं निकालेंगे, देखें कंपनी अच्छी चल रही है, ग्रोथ हो रही है, लोन लेते गए, अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा था, लोन लेकर प्लांट लगाते गए और चलाते गए कंपनी को। 1972 के अंदर जब वहां पर ये क्राइसिस आया तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, बैंकों ने लोन, जब लोन एक्सपेंसिव होता जा रहा था, तो बैंकों ने लोन वापस मांगने शुरू किए, क्योंकि कई लोग पे नहीं कर रहे थे, तो जिस कंपनी के बारे में डाउट होता था बैंकों से लोन वापस मांगने आ जाता था। अब इनका जब लॉस हुआ तो बैंक इनके पास भी आ गया कि जी अब हमारे पैसे वापस करें, 2.5 मिलियन का लॉस हो रहा है। ला फ्योरेस के पहले बाकी सारे जो बैठे सोच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार अब क्या किया जाए। अब सारे ये सोच रहे हैं कंपनी आके किसी को बेच दें, भाई बेचो किसी से, पैसे लो, कंपनी चलाओ, क्योंकि कैश फ्लो का इशू है ना, पैसे है ही नहीं ना, किसी को पे करने के लिए है आगे, ना कंपनी चलाने के लिए प्रॉपर कैश हमारे पास अवेलेबल है, तो कैश फ्लो का बड़ा इशू, कंपनी बेच के कहीं से पैसे इकट्ठे करो और इससे सारे मामले से जान छुड़ाओ। ला फ्योरे ने उनसे कहा कि जी आप मुझे एक महीने का टाइम दें, मुझे लग रहा है कि कंपनी, क्योंकि अगेन 11 मिलियन डॉलर्स की सेल्स हैं और अच्छे वायबल प्रोडक्ट्स भी हैं उसके, सेलेबल हैं, मसला कहीं और है जो ये लॉस हो रहा है और
इससे पिछले साल तक तो ठीक चल रही थी कंपनी, उसने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको एक महीना दे दिया गया, इसी दौरान उसको ऑडिट कमेटी का हेड बना दिया गया कि ऑडिट कमेटी को आप हेड करें। उससे उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने वो भी यूज की। सबसे पहला काम उसने जो किया, उसने तीन इंस्टीट्यूशंस को कॉल की, बेसिकली चार थे। सबसे पहले उसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में कॉल की, क्योंकि ये जैसे पाकिस्तान का भी होता है, उनको ये कहा कि जी हमसे गलती हो गई है, हमने आपको गलत ऑडिट रिपोर्ट्स भेज दी हैं, हमारे ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया है, हम माजरत करते हैं, हम आपको सही रिपोर्ट्स भेजते हैं, आप प्लीज हम पे फाइन ना लगाएं, हम पे कोई पेनल्टी ना लगाएं इसके लिए। क्योंकि अमेरिका के अंदर वो ये ट्रीट नहीं करती सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के शेयर होल्डर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि लोगों का पैसा है वो डूब जाएगा, तो वो बड़ी सीरियस पेनल्टीज लगाते हैं वो। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बड़ी टफ है इस मामले में, उनकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बड़े टफ है इस मामले में, तो वो फाइन लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर फाइन नहीं लगाया, उन्होंने ठीक है आप सही रिपोर्ट हमें भेज दें, इन्होंने उनसे मिन्नत की, उसको सही बात बता दी साफ साफ। नेक्स्ट उसने कॉल की अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वहां पर उसने उनको कहा कि जी आप हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग रोक दें, क्योंकि अब जैसे ही ट्रेडिंग नेक्स्ट डे स्टार्ट होगी लोगों ने पैनिक के अंदर शेयर सेल करना शुरू कर देने और शेयर्स की प्राइस प्लंज कर जाएगी। हालांकि इतना बड़ा मसला नहीं है शेयर होल्डर को, क्योंकि खबर पहुंच चुकी है, अब शेयर होल्डर जाएंगे बेचो भाई शेयर बेचो जल्दी करो, पता नहीं कल को और कितना लॉस निकला है, कंपनी डूब जाए पैसे इससे भी कम मिले, बेचने पहुंच जाएंगे सारे। तो वैसे भी हॉल्ट हो जानी थी जब इतने सारे शेयर बिकने के लिए जाने थे, तो उसने कहा कि आप हॉल्ट कर दें, प्राइस गिरने के बाद हॉल्ट होने से अच्छा पहले ही हॉल्ट हुई भी हो, तो उसने अपने शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो हॉल्ट करा दी। थर्ड काम उसने किया कि उसने बैंकर्स को कॉल की, दो बैंक से कर्जा लिया हुआ था, दोनों बैंक्स को कॉल की और उनसे कहा कि जी आप हमारे से अपना कर्जा वापस मांग रहे हैं, अगर तो आप हमें कुछ वक्त दे दें तो हो सकता है आपका सारा कर्जा वापस मिल जाए, अगर आज ही वापस मांगे आपको पता है कि कंपनी बैंक्रप्ट हो जाएगी, फिर पता नहीं कितने पैसे वापस मिलेंगे, फिर तो जो बैंक्रप्ट हुई बिकेगा कितने अरसे बाद, और फिर जो लिक्विडेटर्स होते हैं पहले वो अपने खर्चे निकालेंगे, यदि हम लिक्विडेट नहीं कर रहे हमने अपना खर्चा नहीं लेना, पहले वो अपने उसके बाद कुछ बचेगा तो आपको देंगे, तो उससे बेहतर आप हमें टाइम दे दें, कंपनी मेरे नज़दीक चल सकती है और हम आपको हो सकता है पैसे वापस कर दें सारे के सारे। तो बैंकर्स ने भी कहा कि चले हम देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसका कहना ये था कि अगर आप ऑनेस्टली किसी को बताएं कि क्या मामला है और किस तरह से आप उसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं। तकरीबन सब ने उनके साथ कॉपरेट किया और विदाउट एनी फाइंस एनी किस्म ऑफ लॉ सूट्स कंपनी आगे चल पड़ी, वरना इन केसेस के अंदर यूजुअली या लॉ सूट हो जाता है या फिर कोई ना कोई फाइन जैसे कि एक्सचेंज कमीशन जो है वो लगा देता है। अब ला फियोरे के सामने मसला ये है कि उसने इस कंपनी को ठीक करना है, लेकिन यही नहीं पता कि खराबी कहाँ है। तो उसके पास एक टूल था जिसे हम कहते हैं जी स्कोर, किसी इन्वेस्टर से किसी जमाने में उसने लिया था। टूल बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मूला है, तो बेसिकली एक्सेल में वो शीट बनी होगी कि ये चीजें डालें और आपका ये फॉर्मूले का रिजल्ट निकलेगा, तो वो टूल उसको हम कह रहे हैं जी स्कोर या जी वैल्यू इसे हम कहते हैं। ये अल्टमैन ने बनाया था बैक इन द ईयर्स। तो ये बेसिकली करता ये है, ये उसने कंपनीज के ऊपर टेस्ट किया था बहुत सारियों के ऊपर, कि कुछ रेशोज ऐसी हैं जिनको उसने ऐसे वेट असाइन किए थे कि वो प्रिडिक्ट कर देती हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में बैंक्रप्ट होने वाली है। इसका बेसिक पर्पस ये था कि कंपनी की बैंक्रप्सी प्रिडिक्ट करे, जो ये टूल है इसका। तो आप इसमें कुछ रेशोज डालते हैं, उनका एक सर्टन वेट उसने अल्टमैन ने असाइन किया। उसने बेसिकली टेस्ट किया डिफरेंट के ऊपर ना, उसने कंपनीज का डाटा उठाया जो बैंक्रप्ट हुई थी और उसके डाटा की बेसिस के ऊपर उनकी रेशोज डाली और उसको कैलकुलेट किया और फिर उनको वेट असाइन किए। और जब एक सर्टन वेट्स के पर्सन ने देखा कि 90% या 95% ऑफ टाइम्स कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है इस वेटेज के साथ हमेशा, तो उसने वो फॉर्मूला बनाकर डेवलप करके शेयर कर दिया कि ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, इसके अकॉर्डिंग 90-95% ऑफ टाइम्स ये प्रिडिक्ट करती है कि कंपनी बैंक्रप्ट होने वाली है। अगर ये प्रिडिक्ट करी और कंपनी अब बाद में बैंक्रप्ट हो जाती है अगले सालों में, तो फॉर्मूला बेसिकली ये है कि पांच एक रेशोज हैं, चार हैं या पांच हैं, उसके अंदर फिर उनके वेट्स हैं डिफरेंट और उसकी बेसिस के ऊपर जो फिगर आता है वो तकरीबन -7, -4 से लेकर +8 तक आता है, इसके दरमियान आता है इस रेंज में। अगर वो फिगर 2.99 से अबव है तो कंपनी सेफ है, यूजुअली कंपनी बैंकरप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो फिगर 1.81 से 2.99 के दरमियान आता है तो कंपनी ग्रे जोन में है, हो सकता है कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, हो सकता है कंपनी बच जाए। और अगर 1.81 से नीचे है तो बहुत ज्यादा चांस है कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। ला फियोरे ने जब वैल्यू कैलकुलेट करवाई तो 0.7 आई, दैट मींस कि कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाली है। ये बात सुनकर सारे डर गए। अब वो कह रहे इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले बहुत हाई थी और अब ज्यादा है, अब कम हो गई है, लेकिन अब तो कम है ना, इस वक्त कंपनी तो बैंकरप्ट की तरफ जा रही है।
ये सुनकर उसका सीईओ भाग गया रिजाइन करके कि अब मुझसे जवाब मांगा जाइए क्या वो कंपनी के साथ। तो लाफ्योरे को पहले टेम्परेरली सीईओ लगाया गया, बाद में जब तक सीईओ ढूंढ रहे थे उन्होंने फिर उसको परमानेंट सीईओ लगा दिया कंपनी का। बीइंग द सीईओ से और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली कंपनी के बारे में, उसने और ज्यादा रिपोर्ट्स देखी, ऑडिट कमेटी का चेयरमैन था, और ज्यादा चीजें देखी, तो उसने देखा कि जी अभी भी कुछ चीजें हैं जो सामने नहीं आ रही। एक चीज जो उसने नोटिस की कि अगर मैं जी स्कोर को रिवर्स करूं, ठीक है, अगर जी स्कोर से ये पता चल सकता है कि बैंकरप्ट होने वाली है कंपनी, तो क्यों ना इसको रिवर्स इंजीनियर किया जाए, इसकी बैक पे देखें कि कौन कौन सी रेशियोज या कौन कौन से फिगर्स इतने सिग्निफिकेंट हैं जिनकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता ना मसला कहाँ है। अब ये एक उसकी इनोवेटिव थिंकिंग थी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। हमेशा से जी स्कोर को यूज किया जा रहा था जस्ट टू प्रिडिक्ट कि कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है कि नहीं, इसको किसी ने और तरह से नहीं देखा। उसने कहा इसको रिवर्स करके देखते हैं, बैक पे जो मैंने ये फिगर्स डाले हैं ना, इनमें देखो सबसे सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है जिसकी बेसिस के ऊपर जी स्कोर नीचे जा रहा है, उसको इंप्रूव करने से जी स्कोर ऊपर चला जाएगा और होपफुली कंपनी भी अच्छी चली जाएगी। तो उसने आइडेंटिफाई किया कि 3 रेशियोज के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो टोटल एसेट्स है और इन तीनों का वेट सबसे हाई है। तो उसने नोटिस किया कि मेरे जो टोटल एसेट्स है ना इस कंपनी के, उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रही है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो ये सारा कुछ जब उसको आइडेंटिफाई, उसने एक चीज जो आइडेंटिफाई की बींग द सीईओ के जो कंपनी है वो बहुत इनएफिशिएंटली चलाई जा रही है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट किया जाता है, और फिर मजे की बात जो वेस्टेज होती है उसको डंप डुम्प नहीं करते, उसको जाकर स्टोर कर देते हैं कहीं पर, वो तो जान छुड़ाओ उसको कहीं निकालो, और फिर अगेन एक तो वेस्टेज होनी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, वेस्टेज जितनी हो जाए तो उसको जाकर स्टोर भी कर रहे हो, स्टोरेज का खर्चा अलग आपको पड़ रहा है। तो एक ये चीजें इसने आइडेंटिफाई की, इनको ठीक किया, और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता चले जिसमें उसको ये पता चला कि कुछ फिगर सही नहीं है, उनको जब उसने ठीक किया तो जी स्कोर गिर के 0.4 पे चला गया। अब सारे बड़े परेशान हैं और ये महीने, अब एक महीना कई महीनों में बदल चुके हैं, कई महीनों से वो ढूंढ रहा है लेकिन उसको एक्चुअल मसला नहीं रहा कि कौन से एसेट से कैश फ्री करवाया जा सकता है। फिर उसने देखा कि जी कंपनी का पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 1.5 मिलियन डॉलर का था, जबकि पिछले साल कंपनी ने सैलरीज के अंदर 1 मिलियन डॉलर पे किए थे। तो उसने देखना शुरू किया कि कहाँ पर कितने एम्प्लॉयज हायर्ड हैं, कितनों की जरूरत है हर पोजीशन को। उसने देखा कि जी जो काम डुप्लीकेट हो रहा है जो एक जगह पे हो जाना चाहिए, उसने वो पोजीशंस कंसोलिडेट कर दी। तो पता ये चला कि आउट ऑफ दी 32 पीपल वर्किंग इन दी हेड ऑफिस सिर्फ 6 की जरूरत थी, तो उसने 6 रखे, बाकी सबको फ्री कर दिया। इसी तरह से उसने फैक्ट्रीज में भी किया एंड फाइनली अच्छा खासा कैश इस वजह से भी फ्री हो गया ताकि वो अब कंपनी की इंप्रूवमेंट के ऊपर लगाया जा सके, कंपनी को आगे चलाने पर ले जाया जा सके। फाइन, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा अभी भी, कैश फ्लो का मसला भी वही है और जी स्कोर भी वहीं का वहीं खड़ा है 0.4 पे, ये नज नहीं हो रहा, क्योंकि ये मसला बेसिकली लेबर का नहीं था जो कि जी स्कोर को 0.4 पे लेके गया, टोटल एसेट्स में कहीं ना कहीं मसला है। फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे एक बार प्लांट जाकर देखने चाहिए वहां क्या हो रहा। वो प्लांट पे गया जो सबसे नियरेस्ट प्लांट था, वहां से उसने शुरू किया। वहां पर वो कहता है कि जी तकरीबन 20-30 साल से लोग काम कर रहे थे प्लांट पे, एक्सपीरियंस लोग थे, उन्हें पता था प्लांट के मसले क्या हैं, उन्हें पता था उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, किसी ने कभी उनसे पूछा ही नहीं कि कैसे मसले हल किए जाएंगे तुम्हारे। तो कहते मैंने क्वेश्चनेयर सर्कुलेट किया, उन सबसे डाटा लिया, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये चीजें करें, उसकी बेसिस के ऊपर हमने नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट बनाया वहां पर प्लांट का, उस हिसाब से हमने सैटरडे संडे नाइट के अंदर हमने सैटरडे संडे को हमने वो सारी सेटिंग कर दी, अगले दिन जब मंडे मॉर्निंग में लोग आए तो उनको हमने नए पोजीशंस उनकी समझा दी, यहाँ तक कि हमने सफाई करने वाले की भी पोजीशन डिफाइन की कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसके रूल्स होंगे, रोल लॉज होंगे, इस तरह ये काम करेगा। कुछ मैनेजर जो थे सीनियर उन्होंने इस बात से एतराज किया और वो नौकरी छोड़ के चले गए। जो लोग बाकी थे उन्होंने कहा कि डेफिनेटली कंपनी के हालात बुरे हैं और डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, करेक्शंस करने का टाइम था तो हुई है, तो उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया। जी स्कोर पे फर्क तो पड़ा लेकिन अभी भी इतना ज्यादा नहीं पड़ा, अभी तक जी स्कोर नीचे है, कंपनी के हालात खराब हैं, लाफ्योरे परेशान है, अब प्लांट से भी हो लिया उसने। तो अब बीइंग द सीईओ वो सारी चीजें स्टडी करता जा रहा है, आखिरकार उसे वो पॉइंट मिल गया जहां पर वो देखता है कि मेरे लिए मसला मुझे नजर आया। ये बेसिकली बनाते थे क्रिस्टल्स, क्वार्ट क्रिस्टल्स बनाते थे किसी कंपनी के लिए, वॉचेस में जो यूज होते हैं बेसिकली क्वार्ट क्रिस्टल्स। तो उसने कहा कि ये जो सेक्टर है ना, मुझे लगा कि इस सेक्टर में फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, ये जो सेक्शन है हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता था लेकिन इतना प्रॉफिट भी नहीं देता कि बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, और इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई हुई थी।
बहुत हैवी किस्म की हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी के, और ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ भी कोई नहीं रखता, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है इससे हमें, कल को जो ये सेक्टर बिल्कुल ही डिक्लाइन पर चला जाए तो इतने सारे एसेट जो इसके ऊपर लगे हुए हमारे तो वेस्ट हो गए सारे, प्रॉफिट भी बहुत मिनिमल सा देता है, कुछ एसेट प्रॉफिट भी नहीं दे रहा, तो क्यों ना इस सेक्टर को चलते चलते ही बेच दिया जाए अभी। तो वो पूरा एक डिवीजन था जिसके अंदर क्रिस्टल, बेसिकली ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स बनते थे, वो इसने बेच दिया, जिससे 550,000 डॉलर्स इन कैश आ गया और तकरीबन 798,000 डॉलर्स नोट्स पेबल के फ्यूचर में हम आपको पे करेंगे उसके तौर पे आ गया। अब कंपनी के पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम भी हल हो गया, एसेट्स वाला मसला भी हल हो गया, जहां पर एसेट्स फंसे हुए थे उनके, कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी इस डिवीजन के अंदर, वो एसेट्स वाला मसला भी हल हो गया और उसका जो जी स्कोर था वो जंप करके ऊपर चला गया 2.95 पे। आहिस्ता आहिस्ता इसने सारे लोगों को ट्रेनिंग दी और चीजें इंप्रूव की, और उनको ट्रेनिंग ये दी कि जब भी अब आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो ऐसे बगैर देखे बगैर सोचे समझे नहीं लगा देना, देखें उसका कंपनी के फाइनेंसिस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसके कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा, उसके जी स्कोर पे क्या इफेक्ट होगा इसका, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करना है, बैंक से लोन लेना है तो सोच समझ के लेना है। फाइनली ये सारी चीजें करके उसने जब लोगों को ट्रेन कर दिया, कंपनी अच्छी चलने लग पड़ी क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स वायबल थे, वो उसे उम्मीद थी कि कंपनी अच्छी चलेगी। कंपनी जब अच्छी चलने लगी तो उसका जी स्कोर बढ़ के 7 पे चला गया, विच इज 10 टाइम्स हायर देन द 0.7 जहां से उसने स्टार्ट किया था। और फिर फाइनली वो दोबारा रिटायरमेंट चले गए, उसने कहा कंपनी अब लोग अच्छी चलाने लग गए। लेकिन जो इसके अंदर एक मेजर क्लू था आपके लिए कि कैसे उसने एक टेक्निक जिसको यूज किसी और काम के लिए किया जाता था, उसे ये प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर रहे थे कि जी कंपनी बैंकरप्ट होगी, उससे ये ढूंढा कि कंपनी क्यों बैंकरप्ट हो रही है, कहां पर मसला है, वरना मसला कैसे आइडेंटिफाई करें, इतनी बड़ी कंपनी है, सीईओ बैठा। वो जब हम आपको ये क्लास के अंदर एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये देखें जिसका ये है, ये है, ये है, ये है, और उसकी बेसिस के ऊपर सॉल्व करें, आपके सामने सारे फिगर्स हैं, लेकिन आप जब कंपनी में जा रहे हैं, आप जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीट पे बैठे हुए हैं, आपके सामने वो उस क्वेश्चन की तरह नहीं कि इसके ये फिगर्स हैं वहां पर आए हुए होंगे और इनमें मसला है कहीं पर, वहां पूरी कंपनी के पिछले सालों का रिकॉर्ड पड़ा है, एनुअल रिपोर्ट्स पड़ी है, सारा कुछ पड़ा हुआ है, प्लांट के सब डिटेल्स पड़ी है, इसमें से मसला ढूंढना पड़ेगा पहले कि मसला कहाँ है, किसी और ने क्रिएट किया था, वो बंदा भाग गया हुआ है। अब आपको पहले वो मसला आइडेंटिफाई करना है, फिर उसे सॉल्व करना है, तो उसमें से ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसने बड़ा एक इनोवेटिव तरीका लगाया ये ढूंढने के लिए कि कहां पर कंपनी में मसला है। अब ये कहना कि सिर्फ जी स्कोर की वजह से कंपनी बच गई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट उसका डिसीजन कौन सा था, एनी वन? नो, नो, वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन था उसका, कि उसको उसने रिवर्स इंजीनियर किया और पीछे से ढूंढा कि कहां पर मसला है। एक उसने बहुत अच्छा डिसीजन किया था, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज थे उनको, नो नो नो, आते ही उसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कॉल की, स्टॉक एक्सचेंज कॉल की और बैंकर्स को कॉल की। अगर ये काम वो ना करता तो उसे ये टाइम ही नहीं मिलना था कि ये सारे मसले हल कर सके। इससे बहुत पहले कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर चुकी होती। ये बहुत जरूरी था कि वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को भी सेटिस्फाई करे, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग भी रुकवाए और बैंकर्स को रोके, क्योंकि सबसे बड़ा मसला बैंकर्स की तरफ से आना था कि जी हमारे पैसे वापस दो। जब उनकी तरफ से ये मसला आना था तो कंपनी सीधी सीधी बैंकरप्सी फाइल करने की तरफ जा रही थी, उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। ये करना सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके बगैर उसको टाइम नहीं मिलना था ये सारे करेक्शंस करने का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे उसने इनोवेटिवली ये देखा कि जी स्कोर को यूज किया जा सकता है टू प्रिडिक्ट के कहां पर मसला है। ये किसी ने पहले ट्राई नहीं किया था इस तरह का, कहीं से उसको एक्सपीरियंस ही नहीं पता था, तो ये उसकी अपनी थिंकिंग थी, अपनी इंजीन्यूटी थी, अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कंपनी बैठे तो म्यूट, भाग गई थी ना, स्टार्ट हो गया था। अगर उन्हें पता होता कि कहाँ प्रॉब्लम है तो पहले ही क्यों प्रॉब्लम लेकर आते। सर, लेकिन जो उनका सबसे कम रेवेन्यू बना रहे, जहाँ जैसे 2 बिलियन ज्यादा रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा था,
नहीं कर रहे थे ना, यही तो बात है। किसने आइडेंटिफाई किया? उन्होंने तो वो प्लांट उल्टा लगाया कि जी ये देखे ना इस सेक्टर से प्रॉफिट तो आ रहा है ना, उनका मकसद क्या है? प्रॉफिट दिखाना। कर्जा सस्ता मिल रहा था, उठाया कर्जा, जाके प्लांट लगा दिया। ये देखें कि उस पर इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो रही है और सेक्टर के अंदर फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, अभी प्रॉफिट दे रहा है बस, ठीक है हम दिखाते हैं मैनेजमेंट चला रही है। मैनेजमेंट को इस चीज से कभी कंसर्न हुआ नहीं ना कि फ्यूचर क्या है क्या। ये चीजें जो है स्ट्रेटेजिक लेवल की होती है, बड़े घट लोग कर रहे होते हैं इसे, तभी हम इसको स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। ये शेयर होल्डर का कंसर्न है ना कि मैंने तो कंपनी लाइफ टाइम के लिए रखनी है, मैंने इधर तनख्वाह मिल रही है, कल को कहीं और से अच्छी मिलेगी, उधर को चले जाएंगे हम। जब तक चल रहा है बस उसको चलाने की कोशिश करें, एज लॉन्ग एज पॉसिबल इसको दिखाते रहें कि जी कुछ ना कुछ आ रहा है। और अगर उनसे कोई गलती हुई थी, क्या वो खुद से पॉइंट आउट करेंगे कि ये हमने गलत किया था? क्यों? इसके अंदर भी हमारा एक कसूर है। नो, यहाँ पर एजेंसी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो, और ये ह्यूमन नेचर में है, ये हमारे अपने नेचर में है जो हमें गलत चीज कर रहे हैं और पूरी दुनिया में गलत कर रहे हैं। ढूंढो जी किसने किया ये काम, पकड़ के उसको फांसी लगा दो, बंदा ढूंढो, एस्केप गोट जिसे कहा जाता है ना, कि जी सारे ढूंढते हैं यार हमसे गलती हुई है, बंदा ढूंढो कमजोर सा जिसको हम पकड़ के डाल दें, इससे गलती हुई उसको निकाल दो। कुर्बानी का बकरा, एस्केप गोट, कि जी बस के नीचे फेंक रहे हैं बंदा, दोनों इसको बस के नीचे देते हैं, ये वाला बंदा था जी, ये जिम्मेदार था, पकड़ लो इसको, लटका दो। मेरा प्रोफेसर था एक, वो एग्जाम्पल शेयर करता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, कि मैं एक दिन दफ्तर आया सुबह, मैंने आके स्टूडेंट डेटाबेस खोली तो उसमें किसी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली। वो कहते हम हैरान परेशान, ये क्या हुआ, रिकॉर्ड किधर गया सारा? क्योंकि वो तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है उनका, सारी फीस का रिकॉर्ड ऑनलाइन, रिजल्ट्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन, कोर्स असाइनमेंट सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है। तो किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड, मतलब एक स्टूडेंट अगर दो सेमेस्टर तीन सेमेस्टर पढ़ी बैठा है, उसका सारा रिजल्ट ऑनलाइन पड़ा है सिर्फ, तो उसका सब कुछ उधर ही पड़ा था, उसको कैसे पता चलेगा पिछले में क्या हुआ था और अब क्या पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, सब रिकॉर्ड गायब। हम बड़े परेशान, हमने ढूंढना शुरू किया, हमें कुछ समझ ना आए, आखिरकार कहते हमें बैकअप से कुछ डाटा मिल गया, बाकी जो पिछले कुछ दिनों का जिनका बैकअप नहीं हुआ था उनका हमने मैनुअल देखा और उसमें से जाके लोगों से पूछ पूछ के एंट्रियां करके पूरा किया, कुछ जो भी हमें मिल सका हमने उसको सिस्टम को दोबारा तो चला लिया, लेकिन हम ढूंढ ही नहीं, ये हुआ क्या है हमारे साथ? तो कहते एक एम्प्लॉय हमारा जो था ना, वो आया हमारे पास, मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि सर मुझे लगता है कि ये जो भी हुआ था ना ये मैंने किया, क्योंकि आखिरी फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट को मैं इसके ऊपर सिस्टम पे आखिरी बंदा था जो काम कर रहा था, और मैं ही काम करके गया था मंडे को जब आया, सारा तो खाली था, तब तक तो चल रहा था, मैं आखिरी बंदा था जो मैंने इसके ऊपर काम किया। तो कहते हम ये भी तो कर सकते हैं, उसको पकड़ के, ये बंदा जी पकड़ लो, लगा दो फांसी, यही बंदा पकड़ लो, इसको निकालो फौरन। मतलब कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम बताओ तुमने किया क्या क्या था। मैंने उसको बिठा लिया अपने साथ बैठ के, देखा कि यार ये क्या बात, क्या हुआ, क्या ऐसे मसला क्यों हुआ, ये दोबारा भी तो हो सकता है कभी। उसने पूरी प्रोसेस दोबारा करके देखी, सर पहले मैंने ये किया फिर मैंने ये किया, तो बटन दबाते दबाते ना उसने देखा कि जी कुछ सीक्वेंस के अंदर आप सर्टन बटन दबाते हैं ना, तो एक मैसेज आपके पास पॉपअप में आता है कि यू आर अबाउट टू डिलीट द एंटायर डेटाबेस, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। तो जब हम पढ़े बगैर, जो हमारी आदत होती है कि यस करके आगे चले, जो पढ़े बगैर यस कर देगा वो दोबारा भी डेटाबेस डिलीट, ये दोबारा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बार बार होता रहेगा। वो कहते अगर मैं उस बंदे को निकाल देता, उसको डांट ढूंढ के डीन को पकड़ाता और इसको निकालो, इस बंदे ने हमारी डेटाबेस उड़ाई है, क्या हो जाता, ये प्रॉब्लम ही कभी आइडेंटिफाई नहीं होनी थी। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती दोबारा कोई कर देता, फिर दोबारा कोई कर देता, हम एक एक बंदा निकालते जाते उसके पीछे। मसला कहां था? उस बंदे का कोई कसूर नहीं था, सिस्टम का कसूर है। आपका सिस्टम बना हुआ कि बस ठीक है, आया मैसेज, ओके करके आगे चलो, काम चलो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं हमने फिर लोगों को ट्रेन किया कि जी जो मैसेज स्क्रीन पर आ रहा है उसको पढ़े बगैर आपने यस नहीं करना, क्योंकि एक सर्टन सीक्वेंस में बटन दबाया सडनली एक आगे किसी और सीक्वेंस से भी आ सकता है वो तो। और उस बंदे से हमें ये लर्निंग हुई, और उसका यही एक पॉइंट जो इसके अंदर उसने बनाया कि जी 90% ऑफ टाइम्स गलती सिस्टम की होती है, क्योंकि सिस्टम जिस तरह से हमारे डिजाइंड होते हैं, ह्यूमंस की गलती नहीं होती उसके अंदर, उस सिस्टम की गलती है जो सिस्टम डिजाइंड है कि जी इस तरह करना है, ये करना है, उसके अंदर आमतौर पर पढ़े बगैर यस कर देना है तो हो गया। हम ब्लेम कर देते हैं ह्यूमंस के ऊपर, उसको निकाल दीजिए काम से, और हमारा सिस्टम इंप्रूव हम नहीं करते जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो सेम गोल्स इन कंपनीज, कि आप बस बंदा ढूंढते हैं, ये वाला बंदा ना, इसको पकड़ लो, इसको निकालो, ये नहीं देखना कि पीछे मसला क्या, वो उसको खुद को नहीं समझ आई। इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बंदा है, वो कहते हैं जी मैं बोर्ड रूम में जब भी बैठा होता हूँ ना, तो मैं वो एक कंसल्टेंट आया हुआ है एक्सपर्ट ओपिनियन, ये देखें जी इसको ऐसे करके ये करेंगे फिर यूं करेंगे, टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, जबरदस्त कोई चीज समझा के ना,
चलें ये हम ओके कर देना ये प्रोजेक्ट अब, तो कहते बाकी सारे वाह जी वाह कमाल वेरी गुड बहुत अच्छा है जी करें करें बिल्कुल। तो कहते मैंने उससे सवाल पूछ लिया कि यार ये जो चीज़ मुझे समझ नहीं है काम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मैं कैसे इसको ओके कर दूँ, मुझे नहीं समझ आई भाई, ये समझाओ ये क्या है, ये समझाओ ये क्या। कहता है जिस बंदे ने बड़े मुंह बनाए कि जी ये क्या कैसा बंदा है, मुझसे पूछी जा रहा है सारा कुछ, ये भी पूछो ये भी पूछो ये भी समझाओ। कहते जब मैंने दो तीन सवाल किया ना, बाकी बोर्ड वाले भी निकले, यार ये जरा समझाना ये क्या चीज थी, अच्छा ये वाली बताना क्या चीज थी। समझ उनको भी कुछ नहीं आया था, सिर्फ इसलिए हाँ हाँ करी जा रही थी कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमें कुछ नहीं आता। और हम कंपनी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने लगे थे इसकी बेसिस के ऊपर, तो उनको किसी को समझ कुछ नहीं आता, सारे सिर्फ हाँ हाँ इसलिए कर रहे थे कि वो इतना बड़ा एक्सपर्ट बता रहे थे, क्या क्या लगेगा हमें कुछ नहीं आता, कंपनी वाले सोचेंगे मेरा बॉस सोचेगा कि इसको भी कुछ नहीं आता, ये बंदा सही नहीं है, मैं अगली बार कोई और बंदा अपॉइंट करूंगा। कहते मैं कहती मुझे जब समझ नहीं आ रही मैं कंपनी की कैसे इन्वेस्टमेंट करा दूं इस पॉइंट के ऊपर, पहले मुझे ये समझाओ ये कैसे हो रहा है। कहते पता तब चला कि जी किसी को भी समझ नहीं आई थी कुछ भी, वो सिर्फ हाँ हाँ करी जा रहे थे कि जी किसी को ये ना पता चले कि हमें समझ नहीं आई। एंड दिस हैपेंस इन मेनी केसेस। नहीं, ये अपनी प्रोडक्ट बनाने में नहीं यूज करते, किसी और कंपनी के लिए बनाते थे वो। क्वार्ट्ज क्रिस्टल बेसिकली वॉचेस में यूज होता है यूजुअली, आमतौर पे वॉच को चलाने के उसकी मूवमेंट वगैरह के लिए, तो यूजुअली और कंपनीज को बेचते थे वो बनाकर, खुद नहीं यूज कर रहे थे। और अगर कर भी रहे हो लेट्स सपोज, अगर कर रहे किसी और कंपनी से खरीद भी सकते हैं, प्रॉफिट वैसे ही मार्जिन उसका बहुत कम था जो उसके ऊपर आ रहा था, इनसे खरीद लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो यूज नहीं कर रहे थे अपने पास, वो बेसिकली आगे बेच रहे थे ये अपने और प्रोडक्ट्स, इनके डिफरेंट अनरिलेटेड टाइप के प्रोडक्ट्स थे, ये औरों के लिए बनाकर चीजें आगे बेचते थे।